ये जलते घर, तबाह इमारतें यूक्रेनी नागरिकों के हैं। यहाँ रूसी सेना ने बमबारी की है, सब कुछ तबाह हो रहा है। रूसी सेना का टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। उनकी हत्या के प्रयास रूसी सेना लगभग 3 बार कर चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भावुक अपील में कह चुके हैं कि हो सकता है अब उन्हें दुनिया दोबारा जिंदा ना देखे। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है तो संसद का स्पीकर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएगा। माना जा रहा है राष्ट्रपति जेलेंस्की इसकी तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में जेलेंस्की स्पीकर रुस्लान स्टीपनचुक के साथ देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि जेलेंस्की झुकेंगे नहीं और ये बात वे रूस समेत दुनिया के सामने जाहिर कर चुके हैं।